Hey, hello everyone. Well, welcome to Revolution Chemistry. So we have got two brilliant educators are with us. हमारे पास हैं अनुप सर एंड सुमित मेहता सर. एंड दोनों एडुकेटर्स जो हैं वो केमिस्ट्री में काफ़ी फेमस है, काफ़ी नाम है दोनों एडुकेटर्स का. मुझे इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, इनके बारे में कहने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑल नो दैम वेरी वेल. आप ये जाने माने चेहरे हैं इंटरनेट में, जाने माने चेहरे हैं दोनों ही यूट्यूब कम्युनिटी में. एंड केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं इनको आपने पढ़ाते हुए देखा होगा, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, IIT RAMS, CSIR, NET और GATE कैटेगरी. सो ये दोनों एडुकेटर्स जो हैं वो केमिस्ट्री पे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए अन अकेडमी पे आ रहे हैं. एंड दे विल बी टीचिंग यू एंटायर केमिस्ट्री पर होने वाला थिंक. इसमें आप बोर हो जाओ, आप इन्जॉय करोगे. सो मैं इनके बारे में ज़्यादा कहूँ, इससे बेटर है कि अगर हम एडुकेटर्स जो हमारे साथ दो फेमस एडुकेटर्स हैं, अनुप सर एंड सुमित सर, एंड फॉर्चुनेटली दोनों दिल्ली से हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, सो हम एक एक करके दोनों से पूछेंगे इनके बारे में. एंड ये आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं ऐसा खास, आपने इनका वीडियो यूट्यूब चैनल पर, YouTube चैनल का नाम है रेवोल्यूशन केमिस्ट्री. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा. प्लीज़ चैनल पे जाते ही सबसे पहले सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को हिट करना, ताकि जब भी कोई लाइव लेक्चर हो या कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए. एंड यू डोंट मिस आउट एनीथिंग. जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो आपके लिए फ्री कोर्सेस लेके आएंगे केमिस्ट्री का, IIT RAMS के लिए, CSIR, NET के लिए. आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को आप मिस आउट ना करें. तो सबसे पहले वेलकम अनुप सर एंड सुमित सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. दिस इज योगी जोशी दिस साइड. ओके, सो मैं शुरू करूंगा अनुप सर के साथ. अनुप सर, आप रेवोल्यूशन केमिस्ट्री पे, पहले तो मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि आप अन अकेडमी पे कैसे जुड़ रहे हैं, आपका एसोसिएशन कैसे होगा, आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या और किस किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, और जो बच्चे हमें देख रहे हैं IIT RAMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSIR, NET या GATE की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनको आपसे क्या बेनिफिट होगा और आप उनको क्या कहना चाहते हो. एंड थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताइए. इवन आई एम वेरी ईगर टू नो अबाउट यू, आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस. वैसे तो मैं आपको जानता हूँ काफ़ी पहले से, तो प्लीज़. मेरा नाम अनुप लांबा है और मैं लास्ट 4.5 ईयर से किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ. और मोस्टली क्राउड मेरे को जानती भी है कि मैं वहाँ पे स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादातर पढ़ाता हूँ. इसके अलावा इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स भी मैं बहुत सारे कवर करता हूँ. इसके अलावा जितनी भी एग्जाम्स में पढ़ा रहा हूँ, वो सारे के सारे एग्जाम्स बहुत अच्छी रैंक्स के साथ में मैंने क्लियर भी कर रखे हैं. और मैंने अगर IIT दिल्ली से मास्टर्स की है तो आप समझ भी सकते हो कि उसमें अच्छी रैंक रही होगी. इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो जो भी मेरा जितना क्रैक करने का, जो एग्जाम क्रैक करने का आइडिया था, वो सारा का सारा मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ. सारे स्ट्रेटजीज बताता हूँ कि भाई आपको ऐसे पढ़ना है, इस टाइम पे ऐसे मैनेज करना है. तो काफी लंबे टाइम से मैं इस फील्ड में हूँ. काफी टाइम से जब मैं IIT में गया था तो 2017 से ही मैंने मतलब एक अकेडमी ज्वाइन करती थी और वहाँ पे मैं कॉन्टिन्यूसली उनके साथ में लगा हुआ था. इस दौरान हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स दी हैं. इवन टॉप 10 में हमारी 7 रैंक्स भी रही हैं. और उसमें चाहे आप किसी भी पार्ट को उठा के देख लें, चाहे आप वहाँ पे इनको ले लें, चाहे आप वहाँ पे मटेरियल से रिलेटेड देख लें या असाइनमेंट्स वगैरह से रिलेटेड देख लें या टेस्ट सीरीज देख लें, क्योंकि हर पोर्शन जो होता है वो मैटर करता है और हम लोगों ने हर जगह पे कॉन्ट्रीब्यूट किया है बहुत अच्छे लेवल. तो इसके अलावा एक स्पेशल एकेडमी जो थी पहले, उसमें भी मैंने पढ़ाया था, जो केवल CSIR, NET और GATE के लिए थी. तो हम लोग अन अकेडमी के साथ में IIT RAMS और CSIR, NET में आपके साथ में जुड़ने जा रहे हैं. तो आप हमारा केमिस्ट्री वाला चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए, उसके ऊपर आपको सारी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी. उसके ऊपर हम लोग, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आप कहीं पे स्टूडेंट हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम लोग आपको नहीं पढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है. हम लोग आपके साथ में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. आप हमारे भी स्टूडेंट हैं, हम भी आपके लिए उतना ही फोकस्ड हैं, उतना ही आप हमारे लिए भी मैटर करते हैं जितना किसी दूसरे के लिए करते हैं. तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सारे टॉपिक्स विद डाउट आपके साथ क्लियर किए जाएंगे YouTube चैनल के ऊपर. तो रेवोल्यूशन जो केमिस्ट्री वाला चैनल है उसको आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आती रहे. परफेक्ट, थैंक यू अनुप सर. अच्छा लगा सुन के कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन भी होता है, DU, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है. दिल्ली नहीं, IIT दिल्ली से किया. ओके, IIT दिल्ली. आपका ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी,
ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने किया, ग्रेजुएशन डीयू से है और आईआईटी दिल्ली से मास्टर। सर आईआईटी दिल्ली तो टॉप टॉप सेकंड या नंबर वन या नंबर टू कह लो, टॉप आईआईटी है। बिल्कुल सर, उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की थी, तो हमें पता है कि कैसे एग्जाम क्रैक होते हैं, वी नो एवरीथिंग हाउ टू क्रैक। जो जिस चक्की में पिस चुका होता है उसे पता होता है कि उस चक्की में पिसने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो दिस इज परफेक्ट। आपने सही कहा कि आप ज्यादा बेटर तरीके से गाइड कर पाओगे। तो सर सुमित सर, मैं आपके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा सर, प्लीज थोड़ा सा जैसे अनुप सर ने बताया आप भी बताइए आपका एसोसिएशन क्या होगा, कैसे होगा, और आपका थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड अगर आप शेयर करें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, मैं सुमित मेहता, तो मैंने बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है और मास्टर्स मैंने आईआईटी दिल्ली से ही कंप्लीट की है। और आईआईटी दिल्ली में का जो सफ़र था वो काफ़ी बहुत ही अच्छा रहा था। तो अगर मुझे लगभग चार इयर्स हो गए, चार या चार से ज़्यादा ही हो गए हैं पढ़ाते हुए केमिस्ट्री की फील्ड में, तो मुझे इतने ईयर्स में जो मैंने पढ़ा है इसमें बच्चों के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उनकी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो, उनके बेसिक से रिलेटेड हो, उनकी ऑर्गेनिक से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है या इनऑर्गेनिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो अच्छे से मुझे पता होती है, क्योंकि इतने इयर्स पढ़ाने के बाद एक एक बच्चे की पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है कि वो कहाँ पर गलतियाँ कर रहा है, तो हम उसको सुधारने में उन बच्चों की काफ़ी हेल्प करेंगे। टेस्ट सीरीज में कहाँ गलतियाँ कर रहा है, टेस्ट सीरीज कैसे देना चाहिए, कैसे पेपर पर अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से पोर्शन कम इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनमें कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो जितना भी मेरा ऑर्गेनिक का जो पोर्शन होगा और इनऑर्गेनिक का, मोस्टली मैं जितने भी चार साल पढ़ाए हैं जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं मैंने, वहाँ पर मोस्टली मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डील की थी। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से रिलेटेड जितने भी बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो चाहे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो या आपके थ्योरी से रिलेटेड हो, उसमें असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो थ्योरी को देख लेते हैं, कहते हैं कि सर मुझे समझ में तो सब कुछ आ रहा है पर मैं क्वेश्चन डील नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन कैसे डील करना है, उनके असाइनमेंट्स कैसे डील करने हैं, आपको हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है रिवोल्यूशन केमिस्ट्री, उसके ऊपर भी हम जितनी भी हमारी स्ट्रेटेजी होगी या जो भी हमने पिछले इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी हमें सीखा है वो बच्चों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अच्छा, मैं अनुप सर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर एक बच्चा आप दोनों को एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, देखो मैं और सुमित सर ऑर्गेनिक तो पूरी पढ़ाते ही हैं, साथ में इनऑर्गेनिक का भी काफी पोर्शन कवर करते हैं, और साथ में आप हो गए तो फिजिकल में आप हमारे साथ हैं, तो अच्छी अपनी जमने वाली है, हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स की अगर उपलब्ध के ऊपर हमारे साथ में जुड़ते हैं। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि एक स्टूडेंट अगर आप लोगों को ढूंढने आया अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो वो आपको कहाँ कहाँ ढूंढ सकता है, यूट्यूब चैनल पे, प्लस पे, स्पेशल क्लासेस में, प्लीज अपने बारे में। और जब एक बच्चा अनअकैडमी पे जुड़ता है तो उसे कोड यूज करना होता है जिससे कि वो स्पेशल क्लासेस, जो भी आप स्पेशल क्लासेस लेंगे उसके लिए वो अनलॉक हो जाए, तो प्लीज आप अपना अपना कोड भी बता दीजिए अनुप सर आपका, और अब आपको कहाँ, एंड अगर हो सके तो थोड़ा सा टाइम कि जैसे आपका क्या टाइमिंग होगा, थोड़ी सी डिटेल एक स्टूडेंट को ताकि वो आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए। सर हम लोग अगर हमें अगर ढूंढना है तो रेवोल्यूशन अपना जो केमिस्ट्री का चैनल है उसके ऊपर आप आ जाइए सबसे पहले। दूसरा, आप ओल्ड 10 कोड लगा के, ओल्ड 10 सबके लिए 10% डिस्काउंट वाला ओल्ड 10 लगा के आप क्या कर सकते हैं, मेरी स्पेशल क्लासेस को अवेल कर पाएंगे अनअकैडमी के चैनल के ऊपर, चाहे वो प्लस का हो या फिर स्पेशल क्लासेस का। तो आप उसको हमें प्लस प्लेटफॉर्म पे प्लस स्पेशल क्लासेस वाले के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हम लोग यूट्यूब के ऊपर अपना सेशन होने वाला है, जो उसके बाद में हम लोग आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे टाइम टेबल की, कैसे कैसे किस टाइम पे हमारी क्लासेस होने वाली थी, और इसमें हम लोग बहुत सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुमित सर, आपका कोड क्या होगा अगर कोई स्टूडेंट आपके साथ स्पेशल पे या प्लस पे जुड़ना चाहेगा तो? सर मेरा कोड Sumit56 है। अगर मेरी कोई भी स्पेशल जो क्लासेस हैं या अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करना चाहता है, तो स्पेशल क्लास को अगर अनलॉक करना चाहता है Sumit56 से प्रोमो कोड यूज कर सकता है, और अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो भी 56 से कोड यूज कर सकता है। ओके,
सो सिंस मेरे साथ दो IITians हैं, दोनों IIT दिल्ली के टॉप, इंडिया के टॉप IITs से पढ़े हुए हैं, तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चनेयर खेलना चाहूँगा आपके साथ. लाइक मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और वो क्वेश्चन को सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, आपको मुझे उसका आंसर देना है. और जो भी आएगा फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आपके पास आएगी. मेरा पहला क्वेश्चन अनूप सर आपसे, IIT दिल्ली IIT मुंबई. हाँ सर. IIT दिल्ली IIT मुंबई. IIT दिल्ली सर. IIT दिल्ली. नो डाउट सर. सुमित सर ऑर्गेनिक के बारे में दिल्ली. मैं आपसे क्वेश्चन अलग करूंगा सर, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक. अनूप सर CSIR नेट की IIT जैम? CSIR नेट. CSIR नेट. सुमित सर PhD और टीचिंग? टीचिंग. अनूप सर रिसर्च इन इंडिया रिसर्च इन अब्रॉड? अब्रॉड. अब कोई दिक्कत नहीं. सुमित सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, देसी कपड़े या वेस्टर्न क्लोथ? सर दोनों ही चल जाएंगे. सर कोई एक चल सकते. कोई एक दोनों ही चल सकते सर. ऐसा वेस्टर्न क्लोथ से ज्यादा है. अनूप सर आपसे मेरा क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज या टीचिंग? टीचिंग सर. श्योर. सुमित सर दिल्ली में रहना पसंद करोगे कि मुंबई में रहना पसंद करोगे? सर दिल्ली. अनूप सर दिल्ली में. अरे सर मुंबई अच्छी है, बहुत बढ़िया है सर. नहीं सर वहाँ पे थोड़ा हर दिन बारिश होती रहती है, दिल्ली में फिर भी ठीक है. तो सर, दिल्ली में ठंड कितनी पड़ती है सर, आदमी फ्री? नहीं नहीं दिल्ली में कितनी ना, एक बार दिल्ली में थोड़ी ये प्रॉब्लम है ट्रैफिक इश्यू वाली, और ज्यादा तो नहीं है. ओके सर. अनूप सर मॉर्निंग स्टडीज और लेट नाइट स्टडीज? लेट नाइट सर. ओके सुमित सर ऑर्गेनिक या फिजिकल? ऑर्गेनिक. क्या यार सर फिजिकल को तो सुन लो. ओके सर सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. इट वाज रियली ग्रेट हैविंग यू ऑल पीपल ओवर हियर. एंड ये इट्स माय आई वुड लाइक टू थैंक इवन टीम एंड एकेडमी दैट दे इनवाइटेड मी टू लॉन्च यू. टू ग्रेट एडुकेटर्स IITians हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ आए हैं. नो डाउट स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, IIT दिल्ली इज वन ऑफ द क्रीम इंस्टीट्यूट, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड में गिना जाता है. आप लोग बहुत एक्सपीरियंस के साथ आए हुए हो, बहुत नॉलेज के साथ आओगे. एंड जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ या आपके साथ अटैच होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों से जितना आपके पास नॉलेज का भंडार या खजाना है उसमें से जितना वो लेके जा सकें वो उनका फ़ायदा होगा, उनका भला होगा. एंड आप लोगों को एज ए मेंटर लेना, क्योंकि जो इंसान IITs में पढ़ता है, जिसने वो एटमोसफियर देखा है, जिन्होंने वो लेक्चर्स अटेंड किए हैं, नोट्स बनाए हैं, और वो उस प्रोसेस से जो गुजरा होता है वो बहुत बेहतरीन गाइड कर सकता है उस प्रोसेस के बारे में. एंड जो बच्चे फ्यूचर में अगर कहीं PhD करना चाहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सर के साथ जुड़िएगा. और इनके पास जितना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की बहुत कीमत होती है, बहुत वैल्यू होती है, इनके एक्सपीरियंस से मैक्सिमम. परफेक्ट. तो सुमित सर लास्ट में जाते जाते अगर IIT जैम का एक बच्चा आपको देख रहा है, तो आप उसके लिए 2-3 लाइन में अगर एक मैसेज छोड़ना चाहें तो वो क्या होगा? सर मैं यही कहूँगा, सबसे पहले अगर कोई बच्चा IIT जैम की तैयारी कर रहा है तो उसको सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है पूरे ईयर की, कि मुझे कैसे पढ़ना है. तो अपना प्लान जो है वो डिस्कस प्लान एक तैयार करना है कि मुझे किस टाइम पे कौन सा टॉपिक पढ़ना है. दूसरा जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा टाइम देना है पढ़ने के लिए, चाहे वो ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए कर रहा हो, चाहे थ्योरी पढ़ रहा हो, चाहे उसके लिए बुक पढ़ रहा हो, उसको ज़्यादा टाइम देना जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, और जो कम टाइम देना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट नहीं है. और दूसरी बात किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो जाता है, जैसे ऑर्गेनिक में जैसे इंटरेस्ट हो गया है तो हम क्या करते हैं पूरे पूरे दिन ऑर्गेनिक पढ़ते रहते हैं, हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल को देखते तक नहीं है या बहुत कम टाइम देते हैं. तो ये बच्चे को सोचना चाहिए कि जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको कम टाइम दे और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसको ज्यादा टाइम दे, ताकि मैं उस चीज में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिजिकल को तीनों इक्वली में उनको इक्वली अगर कर सकूं, ताकि एग्जाम में अच्छी रैंक के लिए कर सकूं. अगर कोई भी एक भी पोर्शन अगर वीक रह जाता है तो फिर IIT जैम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो तीनों ही पोर्शन स्ट्रांग होने चाहिए. परफेक्ट. तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी बच्चे हमें इस वीडियो के थ्रू देखेंगे वो सुमित क्लासर की क्लासेस को जरूर अटेंड करेंगे एंड वो जरूर आपके साथ जुड़ेंगे एंड बहुत बेनिफिट होगा. अनूप सर अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट में जाते जाते, अगर स्टूडेंट्स के लिए 2-3 लाइन अगर आप कहना चाहें, जो भी बच्चे एस्पायर कर रहे हैं IIT जैम के लिए या CSIR नेट के लिए, आपका क्या स्टेटमेंट होगा उनके लिए?
देखो सर, अगर कोई भी अगर ये तैयार नेट या जेम की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी दूसरे बंदे के ऊपर रिलायबल नहीं होना चाहिए। अगर खुद का कॉन्फिडेंस तो ही आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, चाहे कोई भी कितना अच्छा पढ़ा दे। दूसरी बात, सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट होगा, मैं ये मानता हूँ। इसके अलावा हम लोग आपको हर टाइम गाइड करेंगे, चाहे हमारा चैनल हो या फिर अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म हो, उसके ऊपर आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपको टॉपिक्स, जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो टॉपिक आपका स्टीरियो है, तो आपको मैक्सिमम टाइम उसको देना चाहिए। या फिर कोई दूसरा टॉपिक है, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म कम आता है, नेट गेट में बहुत ज्यादा आता है, तो आपको उस टाइम पे उसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है जब उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये है। तो सर उसमें वैसा ही होगा, इसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में हैं, जितना हमसे हेल्प हो सकेगी उससे ज्यादा मेहनत आपके लिए करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जुड़िएगा पक्का रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाले चैनल के ऊपर, साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है बोले। प्लस और स्पेशल क्लासेस के लिए आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म, जो भी हम लोगों ने कोड आपको बताया, जैसे मेरा ओल्टन है और सुमित सर का सुमित 56। तो सारे लिंक्स जितने भी होंगे स्टूडेंट्स, वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सर के प्रोफाइल के लिंक्स हैं, सुमित सर के, अनुज सर के प्रोफाइल के लिंक, स्पेशल क्लासेस जहाँ पे ये कंडक्ट करेंगे, और रेवोल्यूशन केमिस्ट्री पे तो आप इन्हें देख ही रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइज मेरे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ भी मुझे कुछ पढ़ाने का मौका फ्यूचर में मिलेगा। एंड आई वुड लाइक टू शेयर प्लेटफॉर्म विद यू पीपल फॉर टीचिंग few parts of physical chemistry in future on your YouTube channel, in case if that was possible. Sure, sir. Bilkul, sir. Chemistry best banayenge hum log. थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सर के लोगों के साथ जुड़ जाना, एंड जो भी सर आपको एडवाइजेस देंगे आँख बंद करके उन्हें मान सकते हैं, एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस हमेशा पावर रखता है। थैंक यू वेरी मच। देखो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने आपके लिए आज तक इतना पढ़ाया है और हम लोग हमेशा आपके साथ में रहे हैं, उसी इंथुसियाज्म के साथ में हम लोग आपके साथ में इस चैनल के ऊपर भी जुड़ने वाले हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और आपके पास में नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और हम पे छोड़ दो, हम आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजीज और पूरा मटेरियल आपके लिए बेस्ट कंटेंट जो हो सकेगा, उतना बेस्ट हो सकेगा, उतना बेस्ट। आप जानते भी हैं कि हम लोग तो कंटेंट के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है, तो बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, thank you so much for joining us. Thank you so much sir. Enjoy, have a great journey on an academy. This is awesome. Thank you.